नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मिशन मार्केटिंग में और आपका होस्ट नरेश। दोस्तों, जैसा कि आज आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है कि हम लोग आईपीए से आईपीसीए से कैसे अपना लाइसेंस जो है, अपना सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं और कैसे जो है हम लोग पेस्ट कंट्रोल में उसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही देखा है थंबनेल के अंदर कि 5,000 रुपये की फ़ीस देकर के हम लोग अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन रिन्यू कराने से पहले या सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको आईपीसीए को समझना होगा, आईपीसी के बारे में पूरा जानना होगा और कैसे एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है वो सारी प्रक्रिया को आपको समझना होगा। और वो सारी प्रक्रिया को समझने के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग वास्तव में पेस्ट कंट्रोल करना चाह रहे हैं या पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस करते हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जो है आखिर तक देखें। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चर्चाएं आज करेंगे। जो महत्वपूर्ण लिंक होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको मेरा अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना आईपीसीए की जर्नी। इस जर्नी को करने के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप जब भी आईपीसीए के बारे में कोई फॉर्म भरते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आईपीसीए की एक जो है ऑथेंटिक वेबसाइट है और वो वेबसाइट जो है उस पर सारी जानकारी लगभग दी गई है। इनकी वेबसाइट है www.ipca.nic.in। इस वेबसाइट पे मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी और जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उनके लिए हम वीडियो में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आईपीसीए होता क्या है। आईपीसीए जो है इंडस्ट्रियल एक एसोसिएशन है जो पेस्ट कंट्रोल के हितों के लिए काम करती है। जो जितने भी कोई रूल रेगुलेशन बनते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में, जब भी कोई पेस्ट कंट्रोल का अपडेट होता है तो वहाँ गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करने में, उसमें वहाँ अपनी रिकमेंडेशन देने में आईपीसीए जो है ज़ोर शोर से हमारी चीज़ों को वहाँ रखता है। यानी कि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है उन सभी पेस्ट कंट्रोलर्स के लिए जो पेस्ट कंट्रोल के क्षेत्र में काम करते हैं। पेस्ट कंट्रोल की जो रिसर्च होती है, पेस्ट कंट्रोल में जो भविष्य होता है उसको तय करने में ये हमारा एक आधारभूत प्लेटफॉर्म है। बहुत ही पुरानी संस्था है, बहुत ही वैलिड संस्था है और इसका बेनिफिट ये होता है कि यदि आप आईपीसीए के मेंबर हैं, आपके पास आईपीसीए का सर्टिफिकेट है, तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करते हैं, किसी बड़ी संस्था के साथ आप जुड़ते हैं, किसी बड़े प्राइवेट कॉरपोरेट के साथ में जुड़ते हैं, तो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यानी कि यदि आप आईपीसीए के मेंबर हैं तो आपकी एक अलग ही रेपुटेशन होती है, आपकी क्वालिटी को अलग तरीके से जज किया जाता है, आपको माना जाता है कि आप प्रोफेशनल्स हैं, लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। डे वन में ही आपको जो है आईपीसीए का लाइसेंस, आईपीसीए का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो आपको जो है एक्टिव मेंबर होना ज़रूरी है। इसलिए अब हम आपको ले चलते हैं आईपीसीए की वेबसाइट पर और इस पर जाने के लिए आपको जाना होगा गूगल क्रोम में। यहाँ पे आप एक नया टैब ओपन कर लेंगे और इसमें लिखेंगे आईपीसीए www.ipca.nic.in। नेट शायद काम नहीं कर रहा है या कम मात्रा में कर रहा है, इसलिए साइट ओपन नहीं हो रहा है।
दूसरा कुछ डाल के देखते हैं, IPC। सर्टिफिकेट, IPCA सर्टिफिकेट हमने लिखा तो काम कर रहा है, और इसी में हम ये आ गया, तीसरे नंबर पे लिंक है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन IPCA। जो हम वेबसाइट बता रहे थे कि IPCA.NIC.in है, वो IPCA.org.in है, यानी कि हम लोग वेबसाइट को गलत सर्च कर रहे थे। और इस तरीके का जो परफॉर्मा है, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस परफॉर्मे में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, एक्ट XX1 ऑफ 1860। यहाँ नीचे आपका जो है महाराष्ट्र स्टेट, आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली लिखा हुआ होगा, जहाँ भी आपका होगा वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। इनका महाराष्ट्र में जो है हेड ऑफिस है तो ये महाराष्ट्र लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिलेगा, इट इज़ हर्बी सर्टिफाइड दैट इंडियन पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन हैज़ दिस डे बीन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब आप IPCA की यदि जानकारी चाहते हैं तो अबाउट IPCA, ऑब्जेक्ट ऑफ IPCA, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपको IPCA के ऑब्जेक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें लिखा गया है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटरेस्ट्स ऑफ कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स, यानी कि जो भी कॉमर्शियली व्यापारिक तरीके से काम करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये एसोसिएशन काम करती है। टू प्रमोट साइंटिफिक ग्रोथ ऑफ पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल्स, तो बेसिक चीज़ जो है वो साइंटिफिक तरीके से जो ग्रोथ होती है पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज की और उनकी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पे जो काम होता है उसके लिए ये इनका उद्देश्य है। डेवलप टेक्निकल रिसर्च इन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड एंड एसोसिएटेड क्लोजली इन द नेशनल प्रोग्राम इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट हाइजीन इन द कंट्री। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे इसमें जो है ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और हम आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ है कि हम लोग इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं और इसकी मेंबरशिप के लिए भी हम यहाँ जा सकते हैं। तो मेंबरशिप पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। संपर्क के लिए आप कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएंगे, यहाँ देखिए आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल में IPCA का एड्रेस मिल जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस IPCA मुंबई 206 कुंतल ग्रोप प्रमाइसिस सोसाइटी मोदी स्टेट अपोजिट चिराग नगर पुलिस स्टेशन LBS मार्ग घाट कोपर वेस्ट मुंबई 400086। इसके नीचे आपको जो है इनके लैंडलाइन नंबर्स दिए गए हैं और एक ईमेल आईडी भी दिया गया है mumbai@ipca.org.in के नाम से, इस पे भी आप इंक्वायरी अपनी कर सकते हैं। IPCA का दिल्ली में भी एक ऑफिस है, दिल्ली ऑफिस के लिए फ्लैट नंबर 11 फर्स्ट फ्लोर करियस्ता ग्राउंड बैंकट कॉम्प्लेक्स 40 DLF इंडस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर नई दिल्ली, और नीचे दिए गए हैं इनके लैंडलाइन नंबर और एक आपको ईमेल का लिंक। दिल्ली में है तो आप दिल्ली ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं या जो भी नियर बाई के लोग हैं वो यहां से कर सकते हैं। आप IPCA की वेबसाइट पर जा कर के वहां उनको अपनी जो है मेंबरशिप के लिए लिख सकते हैं, अपना नाम, ईमेल एड्रेस,
मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और आप उनसे क्या चाहते हैं सेंड कर दीजिए, तो हो सकता है वहाँ से आपको कुछ जवाब आ जाए। जो इनके फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी भी कुछ डिटेल्स यहाँ नीचे दी गई हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फिर से इन्होंने जो है दिल्ली और मुंबई के एड्रेस दिए हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब चलते हैं कि इनकी फीस मेंबरशिप की क्या रहेगी, कैसे होगा। मेंबरशिप के लिए जो फ्रेशर्स मेंबर होते हैं या फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करते हैं उनके लिए आपको जो है कुछ चार्जेज पे करने होते हैं, और फिर रिन्यूअल के लिए आपको हर साल एक फीस देनी होती है। ये यहाँ पे इन्होंने जो है मेंबरशिप के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखी है, क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सारी चीज़ भी यहाँ लिखी गई है। ए डिग्री ऑफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड ट्रेनिंग इन एंटमोलॉजी और अदर साइंस प्रिंसिपली रिलेटेड टू द प्रैक्टिसेस ऑफ पेस्ट कंट्रोल फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपके पास एक बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, आपने उसके साथ साथ जो है एंटमोलॉजी या फिर अदर जो प्रिंसिपली साइंस कोर्सेज हैं उसमें कुछ किया होना चाहिए, और साथ में जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से CFTRI मैसूर, NIPHM हैदराबाद, IGMRI हापुड़, यहाँ से आपने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लिया होना चाहिए जो आपको लगेगा, 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए प्रोपराइटर और पार्टनरशिप डायरेक्टरशिप ऑफ द फर्म और कंपनी और हैविंग इन इट्स एम्प्लॉई ए पर्सन विद ए डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड ट्रेनिंग इन द एंटमोलॉजी एंड अदर सर्विसेज प्रिंसिपली रिलेटेड टू द प्रैक्टिसेज ऑफ पेस्ट कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अबव। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वो डिग्री जो बीएससी की है साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ चाहिए होंगे। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द सेम फर्म और कंपनी एंड ऑलवेज हैव सच ए पर्सन विद देम टू रिटेन एक्टिव मेंबरशिप। यदि आप जो है एक्टिव मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस तजुर्बा होना चाहिए, तभी आप जो हैं उस के लिए वैलिड माने जाएंगे। शुड हैव ए होल्ड ए वैलिड लाइसेंस अंडर द एप्लीकेबल लॉज ऑफ अंडरटेकिंग कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर। आपको एक वैलिड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जिस लाइसेंस की हम पेस्ट कंट्रोल के लिए बात करते हैं कि लाइसेंस निकालना होगा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस से आपको जाकर के लेना होगा वो, या फिर जो है फरीदाबाद से आपको NSPM 22 या 12 लेना होगा, वो जो है वैलिड होना चाहिए कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल के लिए, और तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिना पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस के आप IPCA में नहीं जा सकते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, जो एंट्रेंस फीस है एक्टिव मेंबर जो होते हैं उसके लिए फर्स्ट टाइम 10,000 रुपये है, एलाइड मेंबर जो बनते हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम 7,000 रुपये है, और जो बाहर विदेशी मेंबर्स हैं ओवरसीज वाले बंदे हैं उनके लिए $500 US वो फीस आपको देना होगा। इसके बाद आपको प्रतिवर्ष जो है एनुअल फीस जब लगेगी तो एक्टिव मेंबर के लिए 6,000 रुपये सालाना के हिसाब से चार्जेज होगा, एलाइड मेंबर के लिए 5,000 रुपये सालाना के हिसाब से लिया जाएगा, और जो ओवरसीज़ के मेंबर हैं $250 के रूप में वो फीस आपसे वसूली जाएगी। साथ में GST जो है वो 18% एप्लीकेबल होगा ऊपर दी गई फीस पे।
एप्लीकेशन जो प्रोसेस करनी है उसके लिए भी इन्होंने नीचे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। एप्लीकेशन में कुछ खास चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना है, वैलिड डॉक्यूमेंट जितने भी आपको बताए गए हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको भरना है, साइट पर उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके भरेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए होगा अपना, कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ लाइसेंस इंसेक्टिसाइड, जो आपने पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस कॉमर्शियली बनवाया है उसकी एक कॉपी आपको अटैच करनी होगी। बैंक में जो आपने खाता खोला है अपनी कंपनी के नाम से, उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी आपको इसमें लगानी होगी। वर्क ऑर्डर फ्रॉम सम गवर्नमेंट एजेंसीज़, आपको किसी एक टेंडर में पार्टिसिपेशन किया है या आपने कुछ गवर्नमेंट का छोटा मोटा काम किया है, बड़ा काम किया है, उसकी एक कॉपी आप यहाँ लगाएंगे। एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी कि जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं उसकी एक कॉपी लगेगी। आपने जो टेक्निकल सर्टिफिकेट लिया है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, जो भी आपने लिया है, वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ रिक्वायर्ड होगा। और 7 नंबर पे आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द टेक्निकल पर्सन, यदि आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी भी यहाँ लगानी होगी। डिक्लेरेशन जो है वो फॉर्म जो है उसके साथ में अवेलेबल है, वो डिक्लेरेशन आपको भरना होगा। एफिडेविट का फॉर्मेट भी उसमें दिया है, वो भी आपको लगाना होगा। और एक NOC का फॉर्मेट है वो आपका लगेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो भी प्रोसेसिंग डिटेल रहेगी वो SMS और ईमेल के थ्रू आपको बार बार आती रहेगी। प्रत्येक एप्लीकेंट को कम से कम 1 वर्ष पुराने 2 IPCA मेंबर की एंडोर्समेंट चाहिए होती है, और वो एंडोर्समेंट आपको जो है एलिजिबल बनाती है पार्टिसिपेशन के लिए। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, अपना जो है एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो है वेरिफिकेशन के लिए एक वेरिफिकेशन अधिकारी आपका नोटिफाइड किया जाएगा जो सारी चीज़ों को प्रोसेस करेगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब भी आपका अप्रूवल होगा, कमेटी के सामने चीज़ें रखी जाएंगी, वहाँ से यदि आपको सारा कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो मेंबरशिप के लिए भी आपको उसका मैसेज आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपने IPCA की साइट से विजिट किए, मैंने आपको साइट से ऑनलाइन जो है वो शो किया है और यहीं से पढ़ करके सारी जानकारी आपको बताई है। ये जानकारी आप गूगल पे जा करके ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। इसके अलावा भी आप अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हमारी चैनल पर जा करके कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। तो इस तरीके से आप अपना लाइसेंस बना सकते हैं। अब बात आती है कि हम इस लाइसेंस को लेकर के क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉसेस हैं। लॉसेस तो देखिए कोई होता नहीं है, कोई भी आप ज्ञान अर्जित करते हैं, कोई भी डिग्री प्राप्त करते हैं, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में उसका इस्तेमाल होता ही है। जब भी आप बड़े टेंडर्स लेंगे, बड़ा काम करेंगे, किसी रेपुटेड क्लाइंट से मिलेंगे और उसको बताएंगे कि आपके पास IPCA का सर्टिफिकेट है, आप IPCA के एक्टिव मेंबर हैं या अलाइड मेंबर हैं, तो वहाँ आपकी रेपुटेशन, आपका ओहदा अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी दावेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उस कैटेगरी को लिया गया है जहाँ सारी कंडीशन पूरी करने के बाद ही आपको एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि ये मान लिया जाता है कि आप एक वैलिड और प्रोफेशनल वे में काम करने वाले बंदे हैं, आपकी कंपनी जो है वो बहुत ही सिस्टम के साथ में काम करती है। जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो लाइसेंस लिए ही नहीं है, उन सबको IPCA मिलता ही नहीं है। तो ये लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसके लिए आपको 1 साल कंपनी चला करके अपना एक्सपीरियंस गेन करना होता है, आपको क्वालिफाई करनी होती है बहुत सारी चीज़ें। तो उनके लिए जब आप काम शुरू कर देते हैं, IPCA उन्हीं के लिए ज़रूरी है जो इस फील्ड में काम प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हैं। ये बात हुई इसके बेनिफिट की।
अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना बड़ा काम करना है, किस वे में काम करना है, आप सरकारी टेंडर्स में जाना चाहते हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, या फिर लोकली आप जो है एक सीमित दायरे में रह करके काम करना चाहते हैं। एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है और आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपका जो है धन्यवाद करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, बड़े ध्यान से देखें, लाइक और शेयर करें। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो इसको बार बार देखें, और कोई बात है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।